मैं सूर्य देवल फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल एग्रीकल्चर गुरुजी में। किसान भाइयों, आज जो बात की जाएगी, बात करेंगे कि गेहूं की फसल जब हमारी 65 से लेके 75 दिन के आसपास की होती है, इस समय पर कौन सा स्प्रे हमें करना चाहिए। इस समय के लिए मैं आपको बेस्ट 2 से लेके 3 स्प्रे बताने वाला हूं, और इन स्प्रे को आप बिल्कुल सही वे में, सही तरीके से, जितनी डोज, जितनी मात्रा में आपको बताऊंगा, उसी तरीके से यदि आप अपनी गेहूं की फसल के अंदर डालते हैं तो आपकी जो गेहूं की फसल की बालियां आएंगी वो बहुत ही शानदार आएंगी, बहुत ही अच्छी आएंगी, लंबी और मोटी बालियां किसान भाइयों बनकर के मिलेंगी। यानी कि आप ऐसा समझ सकते हैं, यदि पिछले साल आपका उसी खेत के अंदर, एक एकड़ खेत के अंदर यदि 20 क्विंटल का एवरेज आया था और इस स्प्रे का उपयोग आप कर लेते हैं तो कम से कम आपको 15 से लेकर 20% की बढ़ोतरी इसके अंदर देखने को मिल जाएगी। तो लगातार इसमें वीडियो बने रहें जिससे कि आपको एक सही और अच्छी जानकारी मिल सके। यदि अभी तक आपने अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को समय से मिलती रहे। इस समय पर जो आप मेरी ये गेहूँ देख पा रहे हैं, ये किसान भाइयों रूटावेटर से बिल्कुल सादे विधि में बोई हुई गेहूं है। इसके अंदर जो हम मशीन से गेहूं की बुआई करते हैं वो तरीका नहीं लगाया गया है, सिंपल हाथ से जो हमारी सादी विधि होती है उस विधि से इसकी बुआई करके इसका एवरेज चेक किया जाएगा कि इसके अंदर क्या एवरेज निकल करके मिलने वाला है। ये लगभग किसान भाई इस समय पर हमारी 40 से 45 दिन के आसपास की गेहूं हो चुकी है। अब बात करते हैं कि जिस समय पर हमारी जो गेहूं है लगभग 65 से लेकर 75 दिन के आसपास की होती है, तो इस समय पर सबसे अच्छा स्प्रे हमें कौन सा करना चाहिए जिसके ज्यादा अच्छे रेट देखने को मिले। क्योंकि किसान भाई यदि 75 दिन के आसपास, 70 दिन के आसपास यदि आप यूरिया अपने खेत के अंदर डालते हैं तो यूरिया से आपको यहाँ पर नुकसान देखने को मिलेंगे। नुकसान क्या होगा कि हमारी जो गेहूं होगी ये ज्यादा तेजी के साथ ग्रोथ करनी शुरू कर देगी ऊपर को, और जितनी ज्यादा हमारी जो ग्रोथ होगी वो ग्रोथ जो है हमें नुकसान देगी। क्योंकि जितनी ज्यादा ग्रोथ होती है हमारी गेहूं जो होती है बड़ी हो जाएगी, और बड़ी होने के बाद जैसी हल्की सी हवा चलेगी या पानी चलेगा तो गेहूं जो है नीचे गिर जाएगी, तो उसमें आपको काफी ज्यादा नुकसान देखने को मिल सकते हैं। तो जैसे ही आपकी फसल जो है 70 से 80 दिन के आसपास की हो जाती है, यूरिया डालना गेहूं के अंदर बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। इससे नुकसान ही नुकसान मिलेगा, कोई भी फायदा किसानों को देखने को नहीं मिलता है। तो इस समय पर हमारे लिए सबसे बेस्ट स्प्रे क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर किसान भाइयों आप जो है, जैसे मान लीजिए आपका फास्फोरस है, पोटास है, इनकी बहुत ज्यादा यहाँ पर आवश्यकता पड़ने वाली है। तो फास्फोरस की यदि आप यहाँ पर पूर्ति करते हैं, फास्फोरस अपने खेत के अंदर डालते हैं तो जड़ों का जो विकास है वो काफी तेजी के साथ नीचे होगा। जितनी ज्यादा जड़ें नीचे विकास करेंगी उतना ज्यादा हमारा पौधा जो होगा वो मजबूत होगा, और जितना हम पोटास का सिस्टम उपयोग करेंगे तो पोटास का उपयोग करने के कारण हमारा पौधा आसानी के साथ नीचे नहीं गिरता है, उसका तना मजबूत हो जाता है, हमारी फसल काफी अच्छी तरीके से जो है किसान भाइयों वो खड़ी रहती है। तो यहाँ पर स्प्रे की जो बात की जा रही है, आपको उपयोग में लाना है NPK 052-34, जिसके अंदर जो हमारा फास्फोरस है वो 52% दिया गया है, पोटास की मात्रा के सामने इसके अंदर 34% दी गई है, जो इस समय पर सबसे कारगर कार्य हमारी गेहूं की फसल के अंदर करने वाला है। तो आप यहां पर NPK 052-34 का उपयोग कर सकते हैं। इसके साथ में आपको एक स्प्रे का उपयोग और करना है, उसके बारे में भी आपको जानकारी देने वाला हूं। तो आपको जो NPK 052-34 लेना है, इसकी मात्रा 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको लेनी होगी। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत किसान भाई देखने को ये मिलती है कि हमारा जो स्प्रे होता है, ये जो 052-34 है, ये पानी में तेजी के साथ घुलता नहीं है। सभी किसान भाइयों की यही समस्या रहती है। तो हल्का सा गुनगुना पानी आपको लेना है, और गुनगुने पानी के अंदर किसान भाइयों आपको जो है इसे NPK 052-34 को जो है डालना है और इसे घोलना है। तो गुनगुने पानी में ये काफी अच्छी तरीके से घुल जाता है और मिल जाता है। उसके बाद किसान भाइयों दूसरा स्प्रे जो लेना है वो लेना है आपको बोरोन जो होता है, बोरोन 20% में आप ले। बोरोन 20% में एक ऐसा खाद है, एक ऐसा फार्मूला है किसान भाइयों कि इसका उपयोग आप करेंगे तो आपकी जो बालियां होंगी काफी मोटी बनेंगी, लंबी बनेंगी, और ताकतवर आपके खेत के अंदर ताकत इससे आएगी, और बहुत अच्छी तरीके से जो है ये बालियों के अंदर ग्रोथ करने में मदद करेगा। तो NPK 052-34 की मात्रा आपको 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी है, और बोरोन जो हमारा 20% है इसकी मात्रा किसान भाइयों आपको जो लेनी है वो 100 से लेकर 120 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप ले सकते हैं, और लगभग 140 से लेकर 160 लीटर पानी के अंदर इन्हें मिक्स करने के बाद आप अपनी गेहूं की फसल पे एक समान रूप से इसका स्प्रे कर सकते हैं। यदि आप ऐसा करेंगे तो बहुत ही अच्छी तरीके से बालियां बन करके आएंगी और बहुत ही अच्छी पैदावार आपको देखने को मिलेगी। इसका उपयोग यदि आप कर लेते हैं तो आपको पिछले साल के मुकाबले कम से कम 15 से लेकर 20% की बढ़ोतरी देखने को उपज में मिल जाएगी। वीडियो कैसी लगी, जानकारी कैसी लगी, नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी किसान भाइयों को जय हिंद, जय भारत, जय किसान।